गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ पहाड़ी। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ये हम एक शॉर्टकट रास्ता है नारकंडा से रामपुर के लिए जिसमें हम अभी उतर चुके हैं। तो मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ इस रोड में, अभी देखते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट व्यू। ये अपनी रानी और ये जो आप क्या स्टोर है बताया हुआ है, यहाँ पर जो कीड़े होते हैं आजकल बरसातों में पेड़ों में बहुत ज़बरदस्त। तो चल पड़े हैं दोस्तों आगे की ओर बोडी की तरफ, देखते हैं अभी कैसा रोड होगा क्योंकि बरसाते हैं तो कई जगह स्लाइड्स भी आए होते हैं, उस वजह से कहीं रोड बंद ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी महादेव बैठे हैं, देखते हैं रोड कैसा रहेगा आगे। जगह तो ऑसम है और यहाँ पर जो अभी नज़ारा बना हुआ है बरसातों के कारण चारों तरफ मस्त हरियाली, वाह क्या सही जगह है यार। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा जिस कि आपने देखा, पीछे बहुत ही प्यारा घर बना हुआ था। और अब चल पड़े हम आगे की ओर, देखते हैं क्योंकि रास्ता मेरे लिए नया है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। पर रोड बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, पक्का रोड है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो अभी हमें ज़्यादा रोड का पता नहीं था। तो हम चल पड़े हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। रोड पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत आ गए। इस रोड में एक कोल्ड स्टोर भी बनाया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ने पर्सनली अपने सेबों के लिए बनाया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मीडियम सा था पर ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है खानादार एरिया भी आया है साथ में, फूड कोर्ट तो है ही है। और हम उतरेंगे सीधा बुट्टी के लिए, सॉरी बुट्टी क्या कोटगढ़ वाला जो लिंक रोड आता है उसके लिए। और बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर बकरियाँ घूम रही है, साइड भी बारी बारी से हो रही है तो सारी जैसे उनको लगाया। दोस्तों पीछे भी एक दो जगह स्लाइड आए थे पेड़ टूटे, वहाँ मैंने बनाई वीडियो, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। तो फिर हमने वहाँ से गाड़ी निकाल दी क्योंकि डेंजर था उसका पॉइंट, पहले हमें गाड़ी निकाल देते वीडियो तो और जरूरी बन जाएगी। तो अब हम पहुँच गए फाइनली अपना कोटगढ़ वाले रोड में, अब हम इसमें जा रहे हैं और भी हम इसमें पहुँच जाएंगे। तो बॉडी में देखते हैं कुछ चाय पानी करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे रामपुर की ओर। रोड बहुत ही अच्छा मस्त। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग, कैसा ये शॉर्ट रोड आपको लगा, वादियाँ कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जय हिंद जय भारत जय शंकर की।